अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है इसके ओप्पो के जो दो स्मार्टफोन हैं वो सर्टिफाइड किए गए हैं, जिसमें एक जो है ओप्पो का A52 है और दूसरा जो है ओप्पो का A92 है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओप्पो का A92 जो है हमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ लीक्स और रूमर वगैरह जो हैं वो सामने निकल कर आ चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में कुछ चीज़ें कन्फर्म भी हो चुकी हैं, जैसा कि प्रोसेसर को लेकर और भी यहाँ पर कुछ जो है इसके बारे में कन्फर्म हो चुका है। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से इस वीडियो में, जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स दिए जाएंगे इस स्मार्टफोन में और पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस क्या रहने वाली है और कब तक जो है ओप्पो इसे लॉन्च कर सकता है। तमाम की तमाम जो डिटेल है इस वीडियो में देने वाला हूँ, आपने जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। लेकिन यार उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देते रहते हैं और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यार वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन को लेकर। तो ये जो स्मार्टफोन है बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देने वाला है, जो कि वर्टिकल डिज़ाइन में दिया गया है। साथ में एलईडी फ्लैश भी दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि पॉली कार्बोनेटेड बॉडी आने वाली है, यानी कि प्लास्टिक का फ्रेम दिया जाएगा और यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है सिमिलर आने वाला है जैसे कि ओप्पो का F15 आता है। तो यहाँ पर यह जो स्मार्टफोन है, अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की, तो ये जो है 6.4 इंचज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करने वाला है, जहाँ पर 1080 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि फुल HD+ के डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर हमें जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो है हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहूलत दी जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रैम एंड रोम वेरिएंट के हवाले से, तो यह जो स्मार्टफोन है हमें 8GB 128GB वाला जो है वेरिएंट प्रोवाइड करने वाला है। जहाँ पर कैमराज के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है बैक में, जहाँ पर 48MP का मेन सेंसर दिया जाएगा F1.8 अपर्चर के साथ में, वाइड एंगल का ऑप्शन भी साथ में आने वाला है। दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया जाएगा। फ्रंट में ये जो स्मार्टफोन है 16MP का सेल्फी शूटर जो है प्रोवाइड करने वाला है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस स्मार्टफोन को जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से प्रोसेसर कैसा दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमें जो है 2GHz ऑक्टा कोर का CPU प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर इसमें बताया गया है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 की जो है चिपसेट आने वाली है, जो कि एड्रिनो 610 के साथ में आने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए OS के और UI के मामले में, तो यहाँ पर यह जो स्मार्टफोन है हमें Android 10 के साथ में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर UI जो है ColorOS 6 दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस स्मार्टफोन की जो है बैटरी कैपेसिटी की, तो ये जो स्मार्टफोन है हमें 4025mAh की बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देने वाला है, जहाँ पर अभी तक बताया नहीं गया कि कितनी फास्ट चार्जिंग आने वाली है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 18W तक की फास्ट चार्जिंग ही प्रोवाइड करने वाला है। हमें जो है टाइप सी की कनेक्टिविटी दी जाएगी, 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया जाएगा और डेडिकेटेड स्लॉट रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक 45 से 50 हज़ार रुपये के प्राइस के राउंड अबाउट में। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यह जो स्मार्टफोन है क्या अपनी प्राइसिंग में जस्टिफाइड करता है या फिर नहीं, तो यहाँ पर हमें कैमरा क्वालिटी तो बेस्ट है यार देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 48MP का सेंसर दिया गया है और फ्रंट में 16MP की सेल्फी दी गई है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इसको प्रोसेसर के लिहाज से, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउटफुल रहती है कि यार इतना कम प्रोसेसर दिया गया है इस प्राइसिंग में, अगर आता है तो ये जो है इतना नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर अगर 720G का भी दिया जाता तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जाता प्रोसेसर, लेकिन अगर यहाँ पर इतनी प्राइस में आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्मार्टफोन है मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। तो अगर देखा जाए लॉन्चिंग डेट के हवाले से, तो अभी तक ओप्पो की जानब से इसका नहीं कन्फर्म किया गया कि कब तक जो है ओप्पो इसे लॉन्च कर सकता है। जहाँ तक इसके स्पेसिफिकेशन जो है कन्फर्म कर दिए जाएंगे, उसके बाद ही कुछ न्यूज़ या फिर अपडेट वगैरह जो है सामने निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम जो है आपके लिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।